यूपी की 5 वीआईपी लोकसभा सीट पर 2024 में कौन मारेगा बाजी। पहली लोकसभा सीट है मैनपुरी की। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और 2024 में डिंपल यादव चुनाव में उतरेंगी। अब तक इस सीट पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीती है। मैनपुरी यूपी की वीआईपी लोकसभा सीट मानी जाती है। वहीं दूसरी लोकसभा सीट है अमेठी की। अमेठी यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की सबसे वीआईपी लोकसभा सीट है। अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। इस सीट पर राहुल गांधी कई बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार 2024 में कौन बाजी मारेगा देखते हैं। तीसरी लोकसभा सीट है वाराणसी की। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। इस सीट पर मोदी लाखों वोटों से चुनाव में जीतते हैं। वहीं इस सीट पर एक बार फिर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि 2024 में मोदी चुनाव जीतेंगे या नहीं। वहीं चौथी लोकसभा सीट है रायबरेली की। रायबरेली सीट भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी लगातार सांसद बन रही हैं। 2014 और 19 में मोदी के लहर में भी सोनिया गांधी चुनाव में जीती थी। 2024 में माना जा रहा है कि इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। देखना है कि रायबरेली से इस बार कांग्रेस चुनाव जीतती है या नहीं। वहीं पांचवी वीआईपी लोकसभा सीट है अयोध्या की। अयोध्या लोकसभा सीट इस बार 2024 में सभी की निगाहों पे है। अयोध्या सीट से कौन बाजी मारेगा इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के कारण यह सीट हॉट सीट गिनी जा रही है और ये भी यूपी की वीआईपी लोकसभा सीट है। इस सीट पर देखते हैं कि 2024 में कौन बाजी मारता है।